वेलकम टू दी चैनल दोस्तों, और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भरवा बैंगन मसाला की रेसिपी। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में, उससे दोगुना टेस्टी लगता है, और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का भरवा बैंगन है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं बहुत ही ईजी भरवा बैंगन मसाला की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे वाले जो बैंगन आते हैं वो मैंने ले लिया है। इसे मैं अच्छे से धुल चुकी हूँ और मैं एक किचन पेपर टॉवल से मैं इसे अच्छे से पोंछ दूँगी ताकि इसमें कोई पानी ना रहे। अब मैं इसे कट करूँगी, तो इसे इस तरीके से कट करना है, पहले एक बार बीच से और फिर एक बार साइड से ऐसे। तो दो बार इसमें कट लगाना है ताकि अंदर भी अच्छे से दिख जाए कि कुछ अंदर कीड़े वगैरह रहते हैं बहुत सारे बैंगन में, तो वो ना रहे। तो इसी तरीके से मैं सारे बैंगन को काट लूँगी। उसके बाद हम लोग इसका एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, फिर नमक स्वाद के अनुसार, फिर मैं इसमें डाल दूंगी अमचूर पाउडर, उसके बाद इसे मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है इसका। तो सब चीज़ मिक्स करेंगे और हम लोग इसे बैंगन में आप भरेंगे। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सूखा है तो आप इसमें 3-4 ड्रॉप ऑयल का डाल सकते हैं, बट ये अच्छे से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर होती है तो आप ऑयल डाल सकते हैं इसमें कोई भी। तो ये मैं इस तरीके से बैंगन में भर लूँगी इस मसाले को। अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैंगन में सारे मसाले को डाल दिया है अंदर तक स्पून से। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं इसे एयर फ्रायर में कर रही हूँ, आप चाहे तो आप इसे पैन में कर सकते हैं, लेकिन सेम हीट पे करना है। अगर आप हाई पे कर रहे हैं तो हाई पे, मीडियम पे कर रहे हैं तो मीडियम पे। इसी तरीके से पैन में ऑयल डालकर इसे बिछाकर और चारों तरफ से इसे पलट पलट के आप इसे फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने किया है, प्री हीट किया है मैंने एयर फ्रायर को। आप ओवन में भी डाल सकते हैं, और जितना टेम्परेचर पे करना है वो मैं यहाँ मेंशन कर चुकी हूँ। तो मैं इसे करके और फिर करूँगी। मैं कर रही हूँ 375 फ़ारेनहाइट पे। आप 190 या 180 डिग्री सेल्सियस पे कर सकते हैं। मैं करूँगी टोटल इसे 12 मिनट के लिए, और मैं इसे एक बार बीच में फ्लिप की हूँ 6 मिनट के बाद, और फिर से मैं 6 मिनट तक इसे और भी एयर फ्रायर में डालकर छोड़ दूँगी। तो ये 6 मिनट बाद मैंने इसे फ्लिप कर दिया है। तो ये एक ही तरह से कुक होना इसमें ज़रूरी है। ऑयल से फिर से मैं स्प्रे कर दूंगी उसके ऊपर। तो ये देखिए, फिर से मैं 6 मिनट के लिए इसे लगा दी हूँ। तो इस तरीके से मेरा बैंगन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब हम लोग ग्रेवी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है ये 2-3 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, और लास्ट में मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगी ये मैगी का मैजिक मसाला। ये सच में मैजिक कर देता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। आप प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और इसे पानी के साथ थोड़ा सा मसालों को इस तरीके से घोल बना लेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, 2-3 टेबल स्पून। अब मैं पैन चढ़ा ली, उसमें डाल दी हूँ ऑयल। ऑयल को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लें। फिर मैं इसमें डालूंगी हींग, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मेथी सीड्स, फिर डालूंगी 1/4 कप चॉप्ड अनियन, और हींग मेथी के साथ अनियन को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे हम लोग। तो बीच बीच में बस इसे चलाते रहें। तो ये देखिए, हमारा अनियन भुन चुका है अच्छे तरीके से, लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम लोग इसमें जो मसाला तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे, और मसाले को
ऑयल सेपरेट होने तक भूनना है। तो बस इसी तरीके से इसे भूनते रहे। थोड़ा सा जो पानी बचा था वो भी मैं इसमें डालकर और डाल दी हूँ। और आप चाहे तो आप इसे ढक भी सकते हैं, लेकिन खुले में ही भूने क्योंकि टमाटर डालने के बाद हम लोग ढकेंगे। तो मसाला देखिए, प्याज के साथ मसाला थोड़ा भून चुका है। लाइक 2 से 3 मिनट पहले प्याज के साथ मसाले को मैंने भून लिया था मीडियम फ्लेम पे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप चॉप टोमेटो, और उसके साथ ही मैं डाल दूंगी नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इन सबको इस अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर मैं इसे ढककर छोड़ दूंगी कुछ देर के लिए, जब तक कि टोमेटो सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा टोमेटो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब ढक्कन हटाकर हम लोग को ऑयल सेपरेट होने तक मसाले को अच्छे तरीके से भूनना है। तो बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है तो मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है, जैसा कि आपने देखा मैंने ड्राई बनाया है। आप ग्रेवी चाहते हो तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, बट ये थोड़ा ड्राई ड्राई ही बनता है और वही अच्छा लगता है। तो पानी में बॉयल आने लगेगा तो हम लोग ये फ्राई किया हुआ बैंगन डाल देंगे। एक ही तरह से ये फ्राई हुआ है बैंगन एयर फ्रायर में, तो पैन में भी आपको इसी तरीके से करना है। बैंगन डालने के बाद इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक के छोड़ देना है कुछ देर के लिए। फिर वापस से मैंने ढक्कन हटाया और एक बार हम लोग बैंगन को पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ अच्छे से इसमें मसाले अंदर चले जाएँ और ग्रेवी, ताकि बैंगन हमारा अच्छे से पक जाए। वैसे तो फ्राई में 80% हो ही चुका है, जो बचा है वो ये ग्रेवी में हो जाएगा। तो ये देखिए, फिर कुछ दिन बाद मैंने वापस से ढक्कन हटाया तो बैंगन हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है और मसाला भी सारा बैंगन के अंदर जा चुका है। तो देखा दोस्तों कितना आसान है इसे बनाना। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और इजी भी है बनाना। ऊपर से थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल दें और गर्मा गर्म सर्व करें। तो प्लीज़ दोस्तों इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और वीडियोज़ लेके आती रहूँगी आप लोग के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।